तो दोस्तों स्वागत है आज की एक और कमाल की वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे येवम, एक ऐसी खतरनाक साइको सीरियल किलर की कहानी जो कि अपनी पर्सनालिटी बदल बदल के बाद एक लड़की को अपना शिकार बनाया जा रहा है। और ये मूवी के काफ़ी खतरनाक ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं, प्लस एक काफ़ी कमाल की क्राइम मिश्रित मूवी है। बस आप इतना मेक श्योर करना कि आप मूवी की स्टोरी को एंड तक देखो, ताकि आपके मन में भी कोई डाउट ना रह जाए। तो मूवी की शुरुआत होती है हरिका नाम की लड़की से, जो कि हर्ष के साथ दिखाई जाती है। वहीं पर उसका पति योगेंद्र नामक वहाँ पे आ जाता है। अब उसको वो देख लेता है हर्ष के साथ, तो उसका दिमाग भी घूम जाता है। अब इसी चीज़ को लेके हरिका और योगेंद्र के बीच में बहस हो जाती है। हरिका योगेंद्र से कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा गरीब हो, हर्ष को देखो, उसके पास पैसा है, टाइम है और सब कुछ है, मैं अब उसी के साथ शादी करने वाली हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ। ये सुन के योगेंद्र बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इस चीज़ को लेके वो उन दोनों को चाकू से मार भी देता है वहीं पर घर में। अब इसके बाद सीन पूरा ही स्विफ्ट हो जाता है 2-3 साल के बाद, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि योगेंद्र गैराज पे काम करने वाले एक लड़के को कुछ पैसे और कुछ न्यूज़ पैम्पलेट्स देता है, जहाँ पे उसको वो ये कहता है थोड़े से पैसे देकर कि कॉलेज की लड़कियों को जाके ये पैम्पलेट बांट दो। इसके बाद वो लड़का भी पैसे की लालच में आके ये काम कर देता है, जहाँ पे वो कॉलेज पे जाके लड़कियों को ये चीज़ बांटने लगता है। वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम कृति होता है, वो भी ये पैम्पलेट ले लेती है, जहाँ पे लिखा होता है कि अगर आपको प्रभास के साथ डिनर डेट चाहिए तो आपको ये पैम्पलेट स्कैन करना होगा। और लकीली वो ये करती है और उसको तुरंत एक फ़ोन आता है कि आप वही लकी विनर हो जिसको प्रभास के साथ डिनर करने का मौका मिला है। अब ये जो लड़की कीर्ति है, ये प्रभास की बहुत ही बड़ी वाली फ़ैन होती है, तो कुछ भी सोचे समझे बिना ये भी तैयार होकर रात को चली जाती है उसी जगह पर जहाँ पर इसको बुलाया जाता है। अब जहाँ पर ये पहुँचती है तो वहाँ पर तो ये देखती है कि प्रभास वगैरह तो कोई भी नहीं है, इसको उल्लू बनाया गया। और वहाँ पर इसको दिखता है योगेंद्र, तो ये भी समझ जाती है कि मैं किसी बड़ी परेशानी में हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता, ये अकेली लड़की ही होती है। योगेंद्र इसको कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ ही खाना खाना होगा। लड़की मानती तो नहीं है, लेकिन योगेंद्र उसके पैर बांध के उसको बिठा देता है टेबल पे और कुछ क्रीपी सी बातें करता रहता है उसके साथ में, और उसके साथ डिनर भी करता है। अब कीर्ति भी ये चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वो बिचारी करती भी क्या, वहाँ पर वो सिर्फ अकेली ही थी, इसलिए उसने चुपचाप वहाँ पर खाना खा लिया। और अब बात आ जाती है दूसरे दिन पे, जहाँ पे वो चली जाती है पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में उसकी दो दोस्तों के साथ कीर्ति जाती है योगेंद्र के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन पुलिस उसको ये कहती है कि योगेंद्र ने तुमको बुलाया तो सही, लेकिन गलती भी तो तुम्हारी है, तुम ऐसी स्कैम में फंस गई, ऊपर से तुम्हारे पास योगेंद्र के खिलाफ कुछ भी फोटो वगैरह कुछ भी नहीं है, और उसने तुम्हारे साथ कुछ किया भी तो नहीं, सिर्फ खाना ही तो खाया है। ये चीज़ सुनने के बाद कीर्ति भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं करती। तभी हमें देखने को मिलता है कि पीछे से सौम्या नाम की एक पुलिस वाली आती है, जिसकी आज ही ज्वाइनिंग हुई है। फिर अभी नाम का एक इंस्पेक्टर होता है, वो सौम्या को कहता है कि तुम आज से ही ज्वाइनिंग कर लो और जितनी भी क्राइम की फाइलें हैं उन सबको तुम आज ही एनालाइज करके देख भी लो। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलती है अनुष्का नाम की लड़की, जो कि ऑफिस में बैठी हुई होती है, जहाँ पर वो एक्टिंग का ऑडिशन देने के लिए आई होती है। लेकिन वो पूरी तरीके से ही चौंक जाती है जबकि उसको बोला जाता है कि तुम्हें ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया गया है, तुम्हें कोई भी ऑडिशन देने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारा पहला ही शूट होने वाला है जूनियर एनटीआर के साथ। अब देखो, जो चीज़ पहली लड़की के साथ हुई थी ना, वही दूसरी के साथ भी हो रही है। फिर वो भी पहुंच जाती है शूट की लोकेशन पे, लेकिन वापस से उसको जूनियर एनटीआर तो देखने को नहीं मिलते, वापस से देखने को मिल जाता है योगेंद्र। अब ये योगेंद्र दूसरी बार भी ये लड़की को क्यों फंसा रहा है, ये योगेंद्र कौन है, कैसा साइको है, ये सब आप लोग सब्र रखो, आपको मूवी की आगे की स्टोरी लाइन में ये सब कुछ जानने को मिल जाएगा। अब जो हमारी ये लड़की अनुष्का वहाँ पे पहुंच जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो, वापिस से हमारा जो योगेंद्र है वो उससे ज़बरदस्ती करने लगता है और कहता है कि तुम्हें डांस करना होगा, मुझे नाच के दिखाना होगा। जब अनुष्का ये काम नहीं करती तो वो उसको चाकू से मारने लगता है और सबसे पहले उसके सीने पे वार करता है और उसको बहुत ही बेरहमी से वापिस से मार के वहीं पर छोड़ के चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सौम्या और अभी जो कि दोनों ही पुलिस वाले हैं, अपने एक पुलिस वाले दोस्त जिसका नाम गंगा होता है उसकी बेटी के शादी में गए हुए हैं, वहीं पे उनको इस मर्डर के बारे में भी पता चलता है और सभी लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद सभी लोग वहाँ पे उस लड़की की हालत को देखते हैं और अभी तो ये भी कहता है कि ये एक वेल प्लान्ड मर्डर है और इसके पीछे किसी सातिर आदमी का हाथ है। जब ये सब के बाद अभी और सौम्या जाते हैं अनुष्का जिसका मर्डर हो गया है उसके फैमिली के घर पर, तो उसकी फैमिली का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। जब अभी उसकी बहन से मिलता है, यानी कि अनुष्का की बहन से, तो उसकी बहन उसको ये बताती है कि उसका एक ऐड
शूट था, जहाँ पे उसको ये भी कहा गया था कि उसका शूट जूनियर NTR के साथ होने वाला है। जैसे ही बड़े सुपरस्टार का नाम सुना तो अभी को भी क्लिक हो गया कि ये तो बिल्कुल ही पहली लड़की वाले केस की तरह है, जहाँ पे उसको भी प्रभास के नाम के बुलाया गया था लेकिन उसको भी ऐसे ही पकड़ लिया गया। अब क्या कनेक्शन है, क्या चीज़ें होंगी, ये आपको मूवी के आगे की स्टोरी लाइन में जानने को मिल जाता है। इसके बाद सौम्या अभी को कहती है कि हमें एक प्रेस मीट रखना चाहिए जहाँ पे हमें और भी लड़कियों को अवेयर कर देना चाहिए ऐसे केसेस को लेके। इसके बाद जो हमारी लेडी पुलिस होती है सौम्या, उसको एक लड़की का फ़ोन आता है, वो लड़की के पास वो मिलने चली जाती है और वो लड़की सौम्या को कहती है कि मुझे कुछ दिनों से ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि तुम्हें भी किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट या घूमने जाना हो तो तुम हमें मैसेज करो। तो ये चीज़ को लेके सौम्या उसको कहती है कि तुम इसे कह दो कि मैं इंटरेस्टेड हूँ लेकिन तुम्हारी जगह मैं जाऊँगी। अब सौम्या उस जगह पर तो पहुँच जाती है लेकिन जो हमारा योगेंद्र साइको सीरियल किलर होता है वो जैसे ही देखता है कि पुलिस वाली सौम्या आई है तो वो लड़की को ये डेट कैंसिल करने के लिए मैसेज कर देता है, जो कि सौम्या को भी पता चल जाता है। फिर सौम्या भी समझ जाती है कि ये योगेंद्र ऐसे नहीं फंसने वाला, मुझे कोई और रास्ता निकालना ही होगा। इसके बाद सौम्या अपनी गाड़ी में बैठ के वापस जा ही रही होती है लेकिन योगेंद्र भी उसके पीछे आता है और उसकी गाड़ी को बहुत ही बुरी तरीके से टक्कर मारता है, जिसकी वजह से सौम्या भी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है और वो हॉस्पिटलाइज भी हो जाती है। वहीं भी हॉस्पिटल में अभी भी उससे मिलने आता है और उसको ये कहता है कि तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए था, मुझे मेरी मदद भी ले लेनी चाहिए थी तुम्हें। अब तक हमें ये दिखाया गया कि कैसे योगेंद्र एक के बाद एक अपना शिकार किए जा रहा है लेकिन मूवी का मेन ट्विस्ट हमें अब पता चलता है जब कैसे अभी अपने घर पर बैठा हुआ होता है और हमें मूवी में उसके पास्ट के बारे में बताया जाता है जब उसकी बीवी ने उसको धोखा दिया और उसने उन दोनों को ही मार भी दिया। आपको याद होगा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही जो स्टोरी बताई थी जहाँ पे हरिका नाम की लड़की होती है, हर्ष नाम का लड़का होता है और कैसे योगेंद्र ने उन दोनों को मार दिया, तो वो योगेंद्र और कोई नहीं अभी ही था। अभी को एक स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जहाँ पे वो कुछ समय के लिए अभी रहता है और कुछ समय के लिए योगेंद्र बन जाता है, यानी कि जब भी उसको अपनी पत्नी के बारे में याद आता है तब तब वो योगेंद्र बन जाता है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अभी को खुद भी नहीं पता कि वो योगेंद्र बन जाता है लेकिन जब भी उसको अपनी पत्नी के बारे में कुछ भी सोचता है तो उसका दिमाग घूम जाता है और वो वापिस से एक साइको सीरियल किलर बन जाता है। तो अब शायद आपको पता चला होगा कि ये साइको का क्या राज था और इसके बाद वो इतनी सारी लड़कियों को स्टार्स के नाम पे क्यों उल्लू बना रहा था। तो वो सब इसलिए क्योंकि जो जो चीज़ें वो अपनी बीवी के साथ नहीं कर पाया वो सब लंच डिनर डेट्स वगैरह अपनी दूसरी लड़कियों के साथ पूरी करना चाहता था इसीलिए। इसके बाद अभी को एक पुलिस वाले का फ़ोन आता है कि सौम्या बिल्कुल ही ठीक हो चुकी है, उसको हॉस्पिटल से छोड़ दिया गया और वो अपने घर पर जा चुकी है। इसके बाद अभी और दो तीन पुलिस वाले सौम्या को उसके घर पर देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर सौम्या को थोड़ी सी सर पर चोट होती है और उसके पापा ये कहते हैं कि अब सौम्या वापस से पुलिस में नहीं आने वाली, उसकी जान को खतरा है। तो अभी उनके पापा को समझाता है कि देखो सौम्या एक बहुत ही निडर लड़की है, उसको पुलिस में ज़रूर भेजना चाहिए, उसी की वजह से हम साइको के थोड़ा सा पास तो पहुँच पाए। ये सुन के शायद उसके पापा को कुछ अच्छा लगता है जिसकी वजह से वो सौम्या को वापस से पुलिस ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देते हैं। इसके बाद सौम्या और अभी जाते हैं कीर्ति नाम की लड़की से मिलने, वही प्रभास के नाम पे जो उल्लू बनाई गई थी उससे मिलने, क्योंकि वही एक लड़की है जिसने योगेंद्र को अच्छी तरीके से देखा था। अब उससे मिलने के लिए जाते समय जो हमारी पुलिस ऑफिसर सौम्या है ना, वो अभी से उसकी बीवी के बारे में पूछ लेती है तो वापस से उसका दिमाग घूम जाता है। देखो मैंने कहा था ना अपनी बीवी के बारे में सुनने से, अभी वापस से योगेंद्र के सर में घुस जाता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अपना जो अभी है वो कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना के सौम्या को सुना देता है कि मेरी जो बीवी थी उसको मुझसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस थी इसीलिए वो मुझे धोखा दे के चली गई, वो कुछ भी ज़्यादा नहीं बताता। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं कीर्ति से मिलने, जहाँ पे कीर्ति बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है साइको से इसीलिए वो उनको कुछ भी नहीं बताती। ये सब करने के बाद अभी अपने घर पे चला जाता है, वापस से उसको अपनी बीवी के बारे में कुछ चीज़ें याद आती है तो वो वापस से बन जाता है वो खतरनाक साइको योगेंद्र। अब सीन कट होता है, हमको दिखाया जाता है कि जो अपना ये अभी पुलिस वाला है वो सौम्या के साथ कहीं पर बैठ के लंच कर रहा होता है लेकिन वहीं पर जो पुलिस वाली सौम्या है वो वापस से उसको अपनी बीवी के बारे में पूछ लेती है तो वापस से वो एक साइको बन जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। लेकिन देखो एक और बड़ा ट्विस्ट ये है कि हम सबको स्क्रीन पे ज़रूर योगेंद्र एक अलग आदमी का फेस दिख रहा होगा लेकिन बाकी सब जो मूवी में हैं उनको वो पुलिस वाला अभी ही दिख रहा होगा। मेरी बात शायद आप लोग अच्छे से समझ भी सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन जो सौम्या होती है वो हरिका के बारे में और भी चीज़ें जानना चाहती थी तो ये लंच करने के बाद वो चली जाती है हरिका के पेरेंट्स के घर पर
जहाँ पे वो हरी का और हरी की कुछ फ़ोटोज़ देखती है मैरिज एनिवर्सरी और उनकी शादी की, जहाँ पे वो हरिका की फ़ोटो निकाल लेती है और अपनी एक दोस्त के पास जाती है और उसकी पूरी जन्म कुंडली निकालने के लिए कहती है, जहाँ पे उसको ये पता चलता है कि हरिका की मौत हो चुकी है और उसकी जो लाश थी समुद्र के किनारे पे पाई गई थी। वो भी सिर्फ अकेले नहीं, हर्ष नाम का एक लड़का भी उसी के साथ में पाया गया था, वो भी मरा हुआ था। आपको तो पता ही होगा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया हरिका और हर्ष को योगेंद्र ने ही मार दिया था, योगेंद्र यानी कि अभी पुलिस वाला ही। सौम्या ये सब जानने के बाद अभी के पास जाती है उसके घर पे और उसको बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी जो बीवी थी ना हरिका, उसका मर्डर हो चुका है और उसको समुद्र के पास पाया गया था। इसके बाद अपनी बीवी के बारे में सुनने के बाद हरि वापिस से बन जाता है वही वाला साइको योगेंद्र। अब ये सुनने के बाद योगेंद्र भी सौम्या को कहता है कि हाँ शायद मेरे ही प्यार में कुछ कमी रह गई होगी, इसी की वजह से शायद उसके साथ ऐसा हुआ, वो किसी और के साथ चली गई होगी। अब ये सब सुनने के बाद सीन कट होता है जहाँ पे हमारी जो सौम्या है वो अपने घर पे होती है। उसको किसी के द्वारा फ़ोन आता है कि आपको जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी ना वो मेरे एकदम सामने है, आप चाहो तो यहाँ पे आके देख सकते हो। सौम्या वहाँ पे जाती है, वो उस गाड़ी का पीछा करने लगती है, वो गाड़ी चली जाती है एक जंगल में जहाँ पे सौम्या भी उसी जंगल में पहुँच जाती है। गाड़ी एक जगह पड़ी रहती है लेकिन उसके अंदर कोई भी नहीं होता। सौम्या उस जंगल की पूरी ही छानबीन करना शुरू कर देती है जहाँ पे उसको कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन वहाँ पे एक ट्रक खड़ा होता है। लेकिन कुछ समय बाद उस ट्रक में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, तभी वहाँ पे आ जाता है हरी और वो सौम्या को उस ब्लास्ट से बचा लेता है। और अब देखो ये जो ब्लास्ट था ना वो और किसी ने नहीं हरी ने ही कराया था ताकि वो सौम्या के और भी करीब आ सके। अब थोड़ी ही देर में वहाँ पे और भी बहुत सारी पुलिस फोर्स आ जाती है और सभी लोग सेफफुली अपने अपने घर पे भी पहुँच जाते हैं। अब इसके बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा पुलिस वाला होता है ना जिसकी बेटी की शादी होती है, अब उसका मेन इवेंट स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे हरी भी अपने घर पे तैयार होने के लिए कुछ कपड़े निकाल रहा होता है क्योंकि उसको भी वहाँ पे शादी में जाना होता है। लेकिन वो अपनी बीवी की तस्वीर वापिस देख लेता है और वापिस से वो योगेंद्र में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। योगेंद्र चला जाता है वो शादी में और वहीं पर वो वापिस से मिल जाता है सौम्या को। सौम्या और वो दोनों शादी अटेंड करते हैं और थोड़ा बाहर भी टहलते हैं जहाँ पे सौम्या योगेंद्र को ये पूछ लेती है कि तुमने अपनी बीवी हरिका के बारे में जो मौत हो गई उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश क्यों नहीं की, तुम तो एक पुलिस वाले भी हो। तो उसको जो योगेंद्र है वो ये जवाब देता है कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, दोनों की मौत हो गई, मैं क्या ही कर सकता हूँ। तभी जो सौम्या है उसका दिमाग घूम जाता है और वो कहती है कि मैंने तो सिर्फ हरिका के बारे में पूछा, हर्ष के बारे में तुम्हें कैसे पता चला कि दो जनों की मौत हो चुकी है। इसी बात पर सौम्या को पता चल जाता है कि हरि या फिर योगेंद्र ने ही कुछ घोटाला किया है और वो उसको हथकड़ी पहना के एक जगह पे बांध देती है। अब इसके बाद सौम्या उसे कहती है कि देखो मुझे तुम पे पहले ही शक था लेकिन तुमने ये चीज़ को क्लियर कर दिया आज ये कह के कि तुमने दो मर्डर खुद ही किए हैं। इसके बाद मैंने तुम्हारी साइकोलॉजिस्ट के पास ये भी रिपोर्ट करवा के देख लिया कि तुम्हें स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी है, तो देखो तुम्हें अपने आप के ऊपर योगेंद्र को हावी नहीं होने देना चाहिए, तुम्हें अभी बन के ही दिखाना होगा। इसके बाद जो योगेंद्र है वो अपनी हथकड़ी से छुड़वा लेता है और वापिस से जंगल की ओर भागने लगता है। उसी के पीछे सौम्या भी भागती है, लेकिन कुछ देर भागने के बाद वहाँ पे जो योगेंद्र है वो अपनी सौम्या को छाती में वापिस से चाकू घोंक के मार देता है। सौम्या दर्द से नीचे गिर जाती है, लेकिन सौम्या को दर्द में देख के अभी वाली जो पर्सनैलिटी है वो वापिस से बाहर आ जाती है। अभी वाली पर्सनैलिटी योगेंद्र को मारने के लिए अपने आप में ही चाकू घोंक देती है। अब ये देख के सौम्या भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है, इसीलिए वो अभी के हाथ में गोली मारती है और वो चाकू को नीचे गिरा देती है और यहीं पे स्टोरी लाइन भी एंड हो जाती है। अब देखो इसका कुछ क्लियर कट आंसर तो नहीं दिया गया, लेकिन मुझे पर्सनली मूवी देख के ऐसा लगा कि वो जो चाकू था ना जिससे सब लोगों को योगेंद्र ने मारा और जो सौम्या ने उस चाकू को गोली मार के नीचे गिरा के तोड़ दिया, उसके बाद जो योगेंद्र वाली पर्सनैलिटी थी वो पूरी ही तरीके से मर गई और शायद अभी जो है वो बच गया होगा। तो ये थी वो आज की हमारी कमाल की साइको सीरियल किलर की मिस्ट्री साइको थ्रिलर वाली मूवी। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।